यक न शुद पार्ट थ्री आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद बेहोश पड़ी शकीला का तफसीली मुआयना किया। उसके अंदाज़ और हरकत व सकनात से मुझे ही अंदाज़ा लगाने में कतन कोई दिक्कत महसूस ना हुई कि वो एक तजुर्बेकार क्वालिफाइड डॉक्टर था। उसका नाम डॉक्टर कदीर मालूम हुआ। वो एक जानदार और पुरतासुर शख्सियत का मालिक था। 15-20 मिनट के बग़ौर चेकअप के बाद उसने माहराना अंदाज में ऐलान कर दिया, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, तनफ्फुस नॉर्मल है, तहम गहरी बेहोशी किसी कैफियत के दौरान में सांस मध्यम हो गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। रास्ते में नादिर खान साहब ने मुझे इस वाक़े के बारे में तफसीलन बताया है। मेरे ख्याल में इस सदमे ने इनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। बहरहाल मैं इनको एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 2-3 घंटे में यह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। नादिर खान ने तशवीश भरे लहजे में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अगर कोई ऐसी वैसी परेशानी वाली बात हो तो हम इन्हें अस्पताल ले जाते हैं, मैं उसका मशवरा नहीं दूंगा, वैसे मर्जी है आपकी, ये होश में तो आ जाएंगी ना? विलायत बीबी ने पूछा। बिल्कुल क्यों नहीं, मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ ना, होश में आने के बाद दोबारा इनकी वैसी हालत तो नहीं हो जाएगी ना डॉक्टर? नादिर खान ने इस्तफ़ार किया। डॉक्टर कदीर ने शकीला के बाजू में इंजेक्शन लगाने के बाद नादिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे उम्मीद तो यही है कि होश में आने के बाद ये संभली रहेंगी, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस घर में इतना बड़ा सानहा हुआ है कि अगर इन्हें वो सब कुछ याद आता रहा तो दोबारा भी उनकी हालत बिगड़ सकती है। शौहर और मासूम बच्चे के नमनाक मौत से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है? बोलते बोलते वह अचानक रुक गया, फिर सवाल की नज़र से हर एक के चेहरे को देखते हुए उसने कहा, इन्हें किसी किस्म की कोई दवाई वगैरह भी दी गई है क्या? उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। मैं इस्तरारी अंदाज में डॉक्टर कदीर को तकने लगा। विलायत बीबी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो हमने कोई नहीं दी। उस जवाब से डॉक्टर के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। नादिर ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, डॉक्टर साहब आप किस किस्म की दवाई की बात कर रहे हैं जी? नादिर ने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया था, मैं भी डॉक्टर से यही पूछने वाला था। डॉक्टर ने लम्हा भर गौर किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जैसे नींद की गोली, कोई सुकून की दवा। नादिर ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं जनाब बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कदीर, मैंने बराह रास्त डॉक्टर को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि शकीला की गहरी नींद या बेहोशी में किसी दवा वगैरह का भी दखल है? मैं वाज़े तौर पर या फिर दावे से तो कोई बात नहीं कह सकता थानेदार साहब, लेकिन मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा मुझे बता रहा है कि इस बेखबरी के पीछे किसी मस्कन या ख्वाबावर दवा का भी हाथ हो सकता है। बहरहाल अपने प्यारों की अलमनाक मौत का सदमा तो अपनी जगह है ही। आखिरी जुमला डॉक्टर ने बड़े सरसरी अंदाज में अदा किया था, जैसे खाना पूरी के लिए कोई बात कह दी जाए, असल वाक़े के हवाले से उसकी कोई अहमियत या इफादियत ना हो। डॉक्टर के माहराना इंकशाफ ने मुझे एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया। विलायत बीबी और नादिर खान इस बात से साफ इनकारी थे कि शकीला को किसी भी किस्म की कोई दवा दी गई थी। अगर वाकई ऐसी कोई बात होती तो उन्हें इनकार करने की ज़रूरत ही क्या थी। अब आ जाकर ध्यान शकीला की तरफ ही जाता था। अगर डॉक्टर कदीर का तजुर्बा और मुशाहिदा को गलती नहीं कर रहा था तो फिर पूरे वसूख से कहा जा सकता था कि शकीला ने असखुद नींद की कोई गोली निगल ली होगी, मगर क्यों? ये सवाल मेरे जहन में चकराने लगा, लेकिन फ़िलहाल वहाँ मौजूद अफराद में से कोई भी मुझे सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, लिहाजा मैंने उसे अपनी याददाश्त के खाने में महफूज किया और डॉक्टर कदीर से पूछा, शकीला कब तक इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसका बयान कलम बंद कर सकूँ? जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंजेक्शन लगने के 2-3 घंटे बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। नॉर्मल हो जाने का मतलब यह है कि ये गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगी। आप एहतियातन 4 घंटे बाद इनका बयान ले सकते हैं। डॉक्टर उठ खड़ा हुआ, जाहिर है अब वो वापस जाना चाहता था, लिहाजा नादिर ने उसकी तकलीद की और डॉक्टर का इमरजेंसी बैग उठाते हुए कहा, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर आता हूँ जनाब। नादिर ने चूंकि जुमला मेरी तरफ देखते हुए अदा किया था, लिहाजा मैंने ही उसे जवाब दिया, मैं ASI नज़ाकत शाह की आमद तक यहाँ रुकूंगा, फिर थाने चला जाऊँगा, इंशाल्लाह शाम को तुम्हारी छोटी अम्मी का बयान लेने के लिए दोबारा आऊँगा, उस वक्त तक वो होश में आकर नॉर्मल हो चुकी होगी। लम्हे भर को मैं रुका और फिर तनबीही अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे दोबारा बेहोश नहीं होने देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमने डॉक्टर की बात तो पूरी तवज्जो से सुनी होगी। जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। डॉक्टर ने बैरूनी दरवाजे के सिमत कदम बढ़ाते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें इनके लिए अपने क्लिनिक से भी दवाई दूंगा, जब इन्हें होश आ जाए तो वह दवाई खिला देना, उससे इनके आसाब और दिलो दिमाग को खासी तकवीत मिलेगी। उसके बाद नादिर डॉक्टर कदीर के साथ कोठी से रवाना हो गया। उसकी वापसी से पहले ही ASI अस्पताल से लौट आया। चुनाचे मैं विलायत बीबी और गुलाम हुसैन को अपनी रवानगी के बारे में बताकर नज़ाकत शाह के साथ थाने वापस आ गया।
दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। मैं खाने और जहर की नमाज से फ़ारग हुआ तो नज़ाकत शाह मेरे कमरे में आ गया। फिर हमारे दरमियान आतजदगी वाले वाक़े पर गुफ्तगु होने लगी। इस दौरान में नज़ाकत शाह ने भी कादर खान के बारे में कुछ मालूम हासिल कर ली थी, जिनमें से बहुत सारी बातें मुझे विलायत बीबी की ज़ुबानी पता चल चुकी थी। मसलन यही कि कादर खान खासा रंगीन मिजाज और शौकीन वाक़ हुआ था। वो बड़ी बाकायदगी से उस बाज़ार जाता था। उसे गाना सुनने और रकसाओं पर नोट निछावर करने का बहुत शौक़ था। अल्लाह ने उसे सब कुछ दे रखा था, दौलत, इज़्ज़त और शोहरत, सभी कुछ था उसके पास। ख़ास तौर पर जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो उसे नित नई सूझने लगती है। यहाँ इस दौलत का जिक्र हो रहा है जो इंसान की जायज़ और माकूल ज़रूरियात से ज़्यादा हो। ऐसी दौलत कुछ करने पर रुकसाती है। आम तौर पर देखने में यह आया है कि इस किस्म की सूरत हाल में औरत का रुझान आराम, सुकून और तायुश की तरफ जाता है। वो कोई आलिशान घर खरीदना चाहती है और उस घर को दुनिया की महंगी तरीन अशिया से सजाना चाहती है। सबसे ज़्यादा तवज्जो उसकी अपनी ज़ात की तरफ होती है। वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और नुमाया बनाने के लिए मेकअप, कीमती मलबूसात और बेशकदर ज्वेलरी का सहारा लेती है, जबकि मर्द उसके बलक्स नमूदो नुमाइश से ज़्यादा अय्याशी और ऐश की तरफ जाता है। और ज़्यादातर देखने में यह आया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के हुसूल की तगोदों में लग जाता है। अब यह उसके खमीर, ज़मीर और फितरत पर मुनहसर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को अपने तसरुफ़ में लाने के लिए बाकायदा उनसे शादी करता है या फिर इधर उधर टामक टोइयाँ मारता फिरता है। मरहूम ने इस हवाले से खासा मोतदिल रवैया अपनाया था। वो बुनियादी तौर पर सनतकार था। शहर के साइट एरिया में खान टेक्सटाइल्स के नाम से उसका एक कारखाना था, जहाँ पर वो बेडशीट्स, रुमाल और तौलिये तैयार करवाता था। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बाजार हुसन का चक्कर लगा लेता था। वहीं नगीना बाई के कोठे पर उसका दिल अटक कर रह गया। शकीला की अदाएँ उसे इस कदर भाई कि वो खुद को उसकी मोहब्बत में सर से पाँव तक जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। कोठे बहुत सोच समझ कर आबाद किए जाते हैं। वहाँ बसने वाली हसीनाएं अपने नाज़ो अंदाज़ को फरोख्त करती हैं। ख़रीदार जेबें भरकर जीने चढ़ते हैं और वापसी में यही जीने उतरते हुए उनकी जेबें खाली होती हैं। इसके बावजूद भी वो दुखी या अफसरदा नहीं होते। उन्हें कोई मलाल नहीं होता और ना ही कोई एहसास ज़या कि वो वहाँ से बड़े मालो माल रुख्सत हो रहे होते हैं। उनके दिल सरशार और जहन मखमूर होते हैं और रवैये से यूँ झलकता है जैसे वो वहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लूट कर लेकर जा रहे हों। दरहकीकत वो लूट कर नहीं बल्कि लूट कर जा रहे होते हैं। लूटने वाले तो उनके जाते ही लूट के माल को गिनने में लग जाते हैं। बहरहाल ये फ़लसफ़ा खासा टेढ़ा और पेचीदा है। हर शख्स अपने जाविये से देखता है और अपनी मर्ज़ी का मतलब अखज़ कर लेता है। कादर ख़ान के अमल को इसलिए मोतदिल और माकूल कहा गया है कि वो बाकायदा शकीला से शादी करने के बाद उसे इस घर में बसाना चाहता था। वो भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार थी, लेकिन नगीना बाई कैसे इस बात पर तैयार होती कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कादर ख़ान के हवाले कर दिया जाए। जब कादर का इसरार बहुत बढ़ गया तो वो मतलब की बात पर आ गई। खान साहब, आप तो जानते हैं ये हमारा रिस्क रोज़गार, रोज़ी रोटी का वसीला है। अगर आप शकीला को ले गए तो मेरा क्या बनेगा, ज़रा ये भी तो सोचें। मैं तुम्हारे बारे में पहले सोचूंगा। शकीला को यहाँ से ले जाते हुए मैं तुम्हारा हाथ भर दूंगा। बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? सिर्फ 5,000 रुपये। नगीना बाई ने उसकी आंखों में देखते हुए शकीला की कीमत लगा दी। वो सस्ता ज़माना था, उस रकम को आजकल के 5 लाख तसव्वुर कर लें। कादर खान उसका मुतालबा सुनकर चौंक उठा और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नगीना भाई? नगीना बड़े मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई और जवाबन पूछ लिया, क्यों खान साहब, क्या मैंने कुछ कम रकम बता दी है? कम नहीं, बहुत ज़्यादा है ये। आप जैसे कदरदानों के दम कदम से तो मेरे कोठे का चूल्हा जलता है खान साहब, भला आप जैसी शख्सियत के लिए 5,000 रुपये क्या मायने रखते हैं? चंद लम्हे तक वो सोचती हुई नज़रों से नगीना को देखता रहा और फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जानती हो 5,000 रुपये में कम से कम 5 शादियाँ बड़ी धूमधाम से हो जाती हैं, लेकिन उन 5ों में से एक भी मेरी शकीला जैसी नहीं होगी खान साहब। वैसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, इस बाज़ार में और भी बहुत से कोठे आबाद हैं, हो सकता है किसी कोठे से आपको कोई सस्ता सौदा मिल जाए। नगीना बाई कादर खान की ज़रूरत को अच्छी तरह समझ गई थी, लिहाजा उसकी नफ्सियात से खेलने में उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि कादर खान के लिए 5,000 की अदायगी कोई बड़ा मसला हो। बुनियादी तौर पर चूंकि वो एक कारोबारी आदमी था, इसीलिए अपनी आदत के मुताबिक बारगेनिंग कर रहा था। नगीना बाई, तुम बड़ी ज़ालिम औरत हो, 20-30 रुपये में ख़रीदी हुई चीज़ को 5,000 रुपये में फ़रोख्त करने की कोशिश कर रही हो, मुनाफे की कोई शरह भी होना चाहिए। हम भी कारोबार करते हैं, आए दिन खरीदो फरोख से वाबस्ता हैं, लेकिन तुम तो कुन छुरी से मुझे मुड़ने की कोशिश कर रही हो। इतनी बेदर्दी से तो कोई कसाब भी किसी जानवर की खाल नहीं उतरता। खान साहब, आप जैसे बड़े लोगों को ऐसी हल्की बातें जेब नहीं देती।
ये ठीक है, मैं 20, 30 और 40-50 में बच्ची हासिल करती हूँ, लेकिन उस वक्त ये बच्ची किसी पत्थर की मानंद होती है, लिहाजा इसकी कीमत भी पत्थर वाली होती है। ज़रा इस बात को जहन में रखे खान साहब कि मैं किसी पत्थर को हीरा बनाने के लिए किस कदर मेहनत करती हूँ, और इन 10-12 सालों में इसकी परवरिश, देख रेख और खिलाई पिलाई पर कितना उठ जाता है। अगर कम अज़ कम 10 साल का हिसाब जोड़ने में बैठ जाए ना, तो बात 5,000 से निकल कर लाखों तक जा पहुँचेगी खान साहब। ज़्यादा बहस व मुबहसे से कोई फ़ायदा नहीं नगीना भाई, बस 2,000 रुपये ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता खान साहब, सोच लो एक मरतबा फिर। नगीना बाई चूँकि कादर खान की कमज़ोरी को भांप चुकी थी, लिहाजा उसने अपने मुतालबे में ज़रा भी लचक नहीं आने दी और अटल लहजे में अपना फ़ैसला सुनाते हुए बोली, खान साहब मैंने जो कहना था कह दिया, सोचना और समझना बाप का काम है। कादर खान गहरी सोच में डूब गया। इस सोच में तशवीश और परेशानी बाहम पेवस्त थी। वो शकीला के मामले में अपने दिल के हाथों मजबूर था और हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था, और ये भी जानता था नगीना का 5,000 का मुतालबा उस हर कीमत का अश्रशीर भी नहीं था। औरत मर्द की कमज़ोरी से आगाह हो जाए तो उसे खुल खेलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन नाजुक लम्हात में नगीना बाई अपनी मर्जी का खेल खेल रही थी। कादर खान ने नगीना बाई का मुतालबा पूरा कर दिया और शकीला उसकी हो गई। लगभग 6 माह तक कादर खान ने अपनी दूसरी शादी को दुनिया वालों की निगाह से छुपाए रखा, लेकिन उसकी पहली बीवी साबरा बेगम को किसी तरह इस मामले की भिनक पड़ गई। ये बात पूरे वसूख से नहीं कही जा सकती थी कि साबरा बेगम की पागलों जैसी जहनी हालत उसी सदमे के बायस हुई थी। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जब वो छत से गिरकर मौत को गले लगा बैठी तो कादर खान ने शकीला को अपनी नई बीवी की हैसियत से घर में दाखिल कर लिया था। उसके इस अमल पर फिरदौस और नादर खान ने क्या रद्दअमल ज़ाहिर किया, ये पिछले सफ़ात में तफसील से बयान किया जा चुका है। शाम से थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्स्टेबल मंजूर इलाही को अपने साथ लिया और एक मरतबा फिर कादर खान की कोठी वाक़ फरीद टाउन के जानेब रवाना हो गया। ASI नज़ाकत शाह किसी ज़रूरी काम में उलझा हुआ था, लिहाजा मैंने उसे थाने में ही रहने दिया। मुझे उम्मीद थी अब तक शकीला को होश आ चुका होगा और वह बाकायदा अपने हवासों में होगी। कोठी में कदम रखते ही मुझे मालूम हुआ कि मेरी उम्मीद बराई है। शकीला उस वक्त बयान देने के काबिल थी। उसके साथ ही मुझे ये इत्तला भी मिली कि नादर खान की बहन इस्लामपुरा से वहाँ पहुँच गई है और उसकी शदीद ख्वाहिश है कि मैं शकीला की तरफ बढ़ने से पहले 2 बातें उससे ज़रूर कर लूँ। मैं एक अजीब व गरीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। उस वक्त हम कोठी की जेरी मंजिल पर थे और नादर खान मेरे करीब खड़ा था। उसी ने मुझे अपनी बहन फिरदौस की ख्वाहिश से आगाह किया था। उन लम्हात में नादर खान मुझे खासा परेशान दिखाई दिया। परेशान तो वो सुबह भी बहुत था, लेकिन इस वक्त उसकी परेशानी में हद दर्जे उलझन और तजब्जुब भी मौजूद था। क्या बात है नादर खान, तुम्हारी बहन फिरदौस मुझसे ऐसी कौन सी खास बात कहने वाली है? जनाब अपा फिरदौस ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया जी, वो जिच होते हुए बोला। मेरी समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे चुप कराऊं, पहले कुछ कम परेशानी है जो उसने नया फड्डा डाल दिया। आखिर हुआ क्या है? मैंने टटोलने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। क्या कह रही है तुम्हारी आपा फिरदौस, और तुम उसे चुप क्यों कराना चाहते हो? वो कह रही है जी आतजिदगी वाला वाक़ा ना कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है। फिर उसका ख्याल है कि अब्बा जी को एक बाकायदा साजिश के तहत हलाक किया गया है। ओह भाई, तुम्हारी आपा तो बिल्कुल पुलिस वालों के अंदाज में सोचती है। उसके ख्याल में किसने गहरी साजिश करके कादर खान और अनिल जिब्रान को मौत के मुंह में धकेला है? इस केस में अचानक एक नया और दिलचस्प जाविया सामने आ गया था। यह शक मुझे भी था कि हालात वैसे पेश नहीं आए होंगे जैसे कि बयान किए जा रहे थे। चलो कोई तो मेरा हम ख्याल भी सामने आया था, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी था कि फिरदौस को आतजदगी वाला वो वाक़ कत्ल का मसनूबा क्यों नज़र आ रहा था। उसी मंजर को उजागर करने के लिए मैंने नादर खान से वो सवाल किया था। वो सटपटाए हुए लहजे में बोला, जनाब लगता अम्मी जी की तरह आपा फिरदौस का भी दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं जी वो क्या कह रही है। उसने तौकिफ़ करके सवाल की नज़र से मुझे देखा। मैं चुप रहा तो उसने खुद ही सवाल का जवाब भी दे दिया। वो कह रही है छोटी अम्मी शकीला ने अब्बा जी को जलाकर राख कर दिया है। क्या तुम्हारी आपा के पास अपने इस दावे का कोई सबूत भी है? यही तो सबसे बड़ा मसला है जनाब, सबूत वबूत कोई नहीं है उसके पास, बस ऐवें ही उसने गरट लगाई हुई है। अल्लाह का शुक्र है उसकी आवाज़ अभी तक छोटी अम्मी के कानों तक नहीं पहुंची, वो तो बड़ी मुश्किल से संभली है। अगर जो उसने सुन लिया ना कि आपा फिरदौस उसे कादर खान और जिब्रान खान की कातिल ठहरा रही है, तो दोबारा उसकी जहनी हालत पहले जैसी हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब कि आपा को कैसे समझाऊँ, पहले ही मैं एक तो परेशान था और आपा ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उलझन और अबतरी के लम्हात में मैंने महसूस किया कि नादर की हमदर्दियाँ पूरी तरह अपनी सौतेली वालदा शकीला के साथ थीं। वो उसकी जहनी सेहत के हवाले से भी बहुत परेशान दिखाई देता था।
एक लम्हे के लिए मेरे जहन में विलायत बीबी के कहवे या अल्फाज घूम गए। छोटी बीबी बड़ी तेज़ हुनर वाली है, बड़े खान साहब उसकी अदाओं पर रिझ गए थे। मर्दों को राम करना तो उसके उल्टे हाथ का खेल है जी, हो सकता है छोटे खान साहब को भी उसने अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। विलायत बीबी के इस तबसरे के तनाजर में जहन लामहाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता था कि कहीं नादिर खान और शकीला के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक तो मौजूद नहीं जिसे मुआशरा अच्छी निगाह से ना देखता हो। मैं किसी सबूत और हकायक के बगैर इस सोच और सवाल पर साथ करने को तैयार नहीं था। मैंने सुबह से अब तक नादिर खान का बड़ी बारीकबीनी से जायज़ा लिया था। वो सही मानों में एक आफत गुजीदा मुसीबत ज़्यादा शख्स नज़र आता था। इस अचानक पड़ने वाले उस्ताद ने उसकी जहनी सलाहियतों को मफलूज और मफकूत करके रख दिया था। कभी वो शकीला की हिमायत में दिखाई देता और कभी उसकी मुखालफत में। लिहाजा किसी ठोस सबूत के बगैर इसके बारे में कोई हतमी राय कायम करना ठीक नहीं था। हालांकि शकीला और नादिर दोनों ही मेरी हिट लिस्ट पर थे। ठीक है नादिर, मैं पहले तुम्हारी आपा फिरदौस से ही दो बातें कर लेता हूँ, शकीला से बाद में मुलाकात कर लूँगा। ठीक है जनाब, मैं आपा को यहीं आपके पास ले आता हूँ, आप भी समझाने की कोशिश करें जी उसे। घर में पहली सफ़े मातम बिछी हुई है, ऊपर से कोई नया तमाशा ना खड़ा हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो नादिर खान। वो उठा और बैठक से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर करने लगा। उस वक्त मेरा जहन नहायती तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था। आपा फिरदौस बहुत दूर की कौड़ी लाई थी, लेकिन मेरा जहन और दिल किसी भी तौर यह तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि शकीला इतनी भी वहशी और संगदिल हो सकती है कि किसी भी मकसद के हसूल की खातिर अपने 2 साल बेटे को अपने हाथों जलाकर कोयला बना दे। 2 मिनट बाद ही नादिर खान वापस आ गया। वो अपनी आपा को साथ लेकर आया था। फिरदौस ने मुझे सलाम किया और एक सोफे पर बैठ गई। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर दानिस्ता एक चाल चली। मैंने बारी बारी नादिर खान और कॉन्स्टेबल मंजूर इलाही की तरफ देखा और कहा, मैं फिरदौस से तनहाई में बात करना चाहूँगा। कॉन्स्टेबल एक लफ्ज़ अदा किए बगैर उठा और बैठक के दरवाजे के सिम कदम बढ़ा दिए। वो ना सिर्फ ये कि मेरे इशारे को समझ गया था, बल्कि उसने इस इशारे नुमा हुक्म की तामील भी कर दी थी। अलबत्ता नादिर खान मुझे गहरे तजब्ज़ुब में नज़र आया। कोई मसला नादिर खान? वो जी, अगर मैं भी इधर ही रुक जाऊँ तो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मैं तो घर का आदमी हूँ ना जी। नादिर खान, मैं मानता हूँ कि तुम इस घर के सबसे ज़्यादा मजबूत सुतून, सबसे अहम आदमी हो, लेकिन मेरा तफ्तीश का अपना एक अंदाज़ है। मैंने तुमसे भी अलगी में पूछगछ की थी ना, उस वक्त हमारे सिवा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। इसलिए ये बात जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हारी आपा से भी तन्हाई में ही बात करूँगा, और उसके बाद तुम्हारी छोटी अम्मी से भी बिल्कुल अलहदगी में मुलाकात होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने बुरा सा मुंह बनाया, जैसे उसे मेरी ये बात पसंद ना आई हो। तहम उसने किसी जरा बहस की राह तलाश नहीं की और बादल नाखास्ता बैठक से बाहर चला गया। उसके रवैये से एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे वो वहाँ मौजूद रहकर यह जानना चाहता हो कि उसकी आपा फिरदौस उसकी छोटी अम्मी शकीला के खिलाफ कौन सा जहर उगलने वाली है। बहरहाल, मैंने इस ख्याल को जहन से झटकते हुए अपना रोए सुखन फिरदौस की जानब मोड़ लिया। वो जल्दी से बोली, थानेदार साहब, आपने बड़ा अच्छा किया जी, नादिर को बाहर भेज दिया। बड़ा ही झल्ला ये, शकीला ने तो पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रखा है। वो इतनी बेतकल्लुफी से बात कर रही थी जैसे हमारे बीच पुरानी शनासाई हो। उसके अंदाज में झिझक तो नाम को नहीं थी। बहरहाल, हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है। मुमकिन है फिरदौस का रवैया हर एक के साथ ऐसा ही बेबाक और झिझक से पाक हो। मैंने कोई जवाब देने से पहले बगौर उसका जायज़ा लिया। उसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अब वो 3 बच्चों की माँ थी। उसका शौहर खावर महमूद सब्जी मंडी का एक मारूफ अड़हती था। फिरदौस दरमियाने कद और माइल बफरबही जिस्म की मालिक थी। रंग गंदुमी और नैन नक्श जाज़िब नज़र। वो अपनी आँखों से ज़्यादा तेज़ तरार और चालाक दिखाई नहीं देती थी। पेशानी से जाहिर होता था वो बहुत ज़्यादा बातूनी है और गुस्से के आलम में उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता। दिल में जो कुछ भी हो ज़ुबान पर ले आती है। उसे किसी का खौफ नहीं, जिससे जो भी कुछ कहना चाहे बेधड़क कह डालती है। ऐसे लोग खुद को सच्चे और खरे समझते हैं, लेकिन आसपास के लोगों में उनका तासुर एक झगड़ालू इंसान की तरह का होता है। मैंने उसकी नफ्सियात से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई और राजदाराना अंदाज में कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने फिरदौस, तुम्हारा ये भाई मुझे भी एकदम उल्लू का चरखा लगा है। वो खुश हो गई और इत्मीनान भरे लहजे में बोली, आप खासे तजुर्बेकार थानेदार हैं जी, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को सही मानों में समझ जाएंगे। मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बस तुम शुरू हो जाओ, वक्त बहुत कम है। और वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसने मुझे 4 साल पर मुहित एक सनसनीखेज दास्तान सुना डाली, जिसमें उसने शकीला के किरदार को किसी खूबसूरत कलेजा निकाल कर खा जाने वाली डायन से ताबीर किया था।
उसके ख्याल में कादर खान जब से शकीला के चक्कर में पड़ा था उनके घर को आफतों और मुसीबतों ने अपने घेरे में ले लिया था। सबसे पहले उनकी वालिदा साबरा बेगम ने इस दर्जे सदमात उठाए कि उसका दिमाग ही उलट गया। बकौल फिरदौस, साबरा बेगम अपने शौहर और घर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जब उसे पता चला कि उसका शौहर उसकी वफाओं का खून करके और ज़िंदगी भर की उसकी खिदमत और रियासत को ठोकर मारकर किसी कोठे वाली का हो गया है तो उसका दिल एक छनाके से टूटकर उसके अंदर ही बिखर गया। उस कांच महल की किरचियों ने साबरा बेगम के एहसास को लहूलहान कर डाला। वो इसमें बामुसम्मा थी। उसने मुँह से आवाज़ तक ना निकाली और अंदर ही अंदर किसी मोमी शमा की मानंद पिघलती रही। जब यह दुख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सबसे पहले उसके दिमाग ने साथ छोड़ा और फिर हवास भी जवाब देकर वो दीवानों की तरह पूरे घर में चकराती रहती। और एक रोज़ इसी पागलपन में वो मकान की छत से गिरकर ज़िंदगी की बाजी हार गई। फिरदौस की बातों से मैंने महसूस किया कि वो अपने बाप ही को माँ की मौत का जिम्मेदार समझती थी। इसीलिए साबरा बेगम के इंतकाल के बाद जब कादिर शकीला को घर में ले आया तो सबसे ज़्यादा हंगामा भी फिरदौस ने ही मचाया था। उसने बाप के साथ साथ अपनी सौतेली माँ को भी बेनकद सुना डाली। बहरहाल शकीला की मुखालफत में बोलते हुए उसने मुझे मजीद बताया कि उसका छोटा भाई नादिर बिल्कुल बुद्धू है और ये कि शकीला ने उसे अपनी अदाओं से रिझाकर काट का उल्लू बना रखा है। वो पूरी तरह उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है और उसके इशारों पर नाचता है। फिरदौस को इस बात का बड़ा कलंक था कि नादिर उसकी सुनता नहीं है। अगर वो उसका साथ देने पर तैयार हो जाता तो वो दोनों मिलकर कादिर खान को मजबूर कर सकते थे कि वो शकीला को चलता कर दे। उसने नादिर को बेहस और बेगैरत भी कहा जो अपनी माँ की मौत को भी भूल बैठा था और एक ऐसी बाजारी औरत के साथ मिल गया था जो उसके घर की तबाही की जिम्मेदार थी वगैरह वगैरह। आखिर में फिरदौस ने बड़े यकीनी लहजे में कहा, थानेदार साहब मुझे पूरा यकीन है ये आग इसी औरत ने भड़काई होगी जिसमें मेरा बाप जलकर ज़िंदगी हार बैठा। आप इस बदकमाश औरत को फ़ौरन फांसी पर लटका दीजिए। फिरदौस उन लम्हात में बेहद जज्बाती हो रही थी। वो जिस किस्म के ख्यालात का इजहार कर रही थी उनमें बाप की मोहब्बत कम और सौतेली माँ से नफरत ज़्यादा झलकती थी। वो हर कीमत पर शकीला को इबरतनाक अंजाम से दोचार कराना चाहती थी। फिरदौस तुम एक बात को फरामोश किए बैठी हो। कौन सी बात थानेदार साहब? तुमने शकीला के हवाले से माजी की जो तवील दास्तान सुनाई है, मुमकिन है वो सब ठीक हो। तुमने हकीकत बयान की हो। तुम्हारी वालिदा की मौत का सबब बिला वास्ता शकीला ही रही हो। लेकिन मैं फ़िलहाल इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। सरदस्त मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आतजदगी के इस खौफनाक वाक़े में सिर्फ तुम्हारा बाप ही जलकर हलाक नहीं हुआ है, उसका नन्ना बेटा जबरान भी उस मोजी आग की खुराक बन गया है। अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि शकीला ने खाबगा में आग भड़का कर तुम्हारे बाप को मौत के घाट उतारा है तो फिर तुम इस सवाल का क्या जवाब दोगी कि शकीला ने अपने मासूम बच्चे को ज़िंदा क्यों जला दिया? इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ही क्या है? वो अजीब से अंदाज में हाथ नचाकर बोली, शकीला जैसी बाजारी औरतों से कुछ बईद नहीं है। ये अपने मतलब की खातिर अजीज तरीन हस्ती को भी ख़त्म कर सकती हैं और फिर इस बात की गारंटी भी क्या है कि मायने खेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर वो एकदम खामोश हो गई। उसकी नामुकम्मल बात को समझने के लिए मुझे कतन कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई और उसके साथ ही इसकी तरफ से मेरा दिल खट्टा हो गया। उसने इंतहाई नामाकुल और बेहुदा बात की थी। अपनी सौतेली माँ की दुश्मनी में उसने बाप और भाई के मुँह पर कालिक थोपने से भी कोई तकल्लुफ नहीं बरता था। उसकी ये हरकत मुझे सख्त नागवार गुजरी और मैंने कदर सख्त लहजे में कहा, फिरदौस बेगम क्या तुम यही अहम बातें करना चाहती थी मुझसे? तो आपकी नज़र में ये बातें फजूल हैं क्या? इस बात का फैसला मैं बाद में करूँगा कि क्या फजूल और क्या मुफीद। फिलहाल तो मुझे इतना बताओ कि अपने दावे के सबूत के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस दलील है? दावा? मैंने कौन सा दावा कर दिया जी? लगता है तुम्हारी याददाश्त खासी कमज़ोर है फिरदौस बेगम। मैं उस दावे की बात कर रहा हूँ जो तुमने अपनी सौतेली माँ के बारे में किया है कि उसने ख्वाबगाह में आग लगाकर तुम्हारे बाप को मौत के घाट उतारा है। सबूत तो कोई नहीं है जी मेरे पास, पर मुझे यकीन है कि यह कारस्तानी उसी शैतान औरत की है। उसकी हठधर्मी देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया। बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है फिरदौस बेगम। तो फर्ज़ मोहाल मैं अगर तुम्हारी ज़ुबानी कलामी बात का यकीन कर भी लूँ तो इस अमर को अदालत में भी पेश करना होगा और अदालत इंसानी जज्बात और एहसास को कुछ नहीं समझती और ना ही लोगों के अंदाज़ों को कोई अहमियत देती है। वहाँ अपनी बात को साबित करने के लिए ठोस सबूत फराहम करना पड़ते हैं। मेरे ख्याल में अब तुम मेरी बात समझ गई होगी। वो हार मारने के मूड में नज़र नहीं आती थी। थानेदार साहब आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें जी, पर मैं कहती हूँ कि यही औरत अब्बा जी की कातिल है। पहले इसने हमारी माँ को ख़त्म कर दिया और अब बाप की जान भी ले ली। किसी मनहूस चुड़ैल से कम नहीं है ये। ठीक है फिरदौस बेगम, मैं इस मौजू पर तुमसे बाद में बात करता हूँ। पहले ज़रा तुम्हारी सौतेली माँ का बयान भी कलम बंद कर लूँ। और हाँ, इस दौरान में तुम ये भी सोच लेना
کہ آخر شکیلہ نے کون سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی غرض کسی مقصد کے بغیر اتنا سنگین قدم نہیں اٹھاتا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں نے اسے بہت مایوس کیا ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے نادر اور شکیلہ کو سرخ دائروں میں بند کر رکھا تھا، ان کی ذات شک و شبے کے حلقے میں دکھائی دیتی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت یا سراغ کے ان پر چڑھ دوڑنا سراسر زیادتی ہوتی۔ میں نادر کا انٹرویو کر چکا تھا اور اب شکیلہ کی باری تھی۔ بہت سی باتیں ابھی تک جواب طلب تھیں۔ شکیلہ کا بیان لینے کے بعد ہی میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا فردوس کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہو، لیکن میں تجربے اور منطق کی کسوٹی پر رگڑے بغیر کسی بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نادر خان کے ہمراہ شکیلہ کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں شکیلہ کے علاوہ ولایت بی بی بھی موجود تھی، جو مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے نادر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ولایت کو اشارہ کیا اور وہ کھڑے کھڑے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گئی۔ نادر شکیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، ملک صفدر حیات صاحب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شام کو آپ کا بیان لینے آئیں گے۔ شکیلہ نے نحیف آواز میں مجھے سلام کیا اور قدرے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے شائستہ انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیٹھ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ شکیلہ نے بیٹھ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو گھٹنوں تک گرم لحاف میں چھپا رکھا تھا، تاہم دونوں بازو اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر دونوں ٹانگوں کو فولڈ کر کے رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نقاہت اور پشمردگی جھلکتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ جتنے بڑے صدمے سے گزری تھی بلکہ گزر رہی تھی، وہ کسی بھی ہٹے کٹے انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دن میں بھی شکیلہ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ گہری بے ہوشی میں تھی، اور اب میں اسے بڑے واضح انداز میں دیکھ رہا تھا۔ شکیلہ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر عورت تھی۔ قادر خان نے اس کے حصول کے لیے 5,000 روپے خرچ کر کے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی دل والا، قدردان اور صاحب حیثیت شخص اسے پانے کے لیے اپنی تمام دولت اس کے قدموں پر نچھاور کر سکتا تھا۔ تاہم ان لمحات میں شکیلہ کا حسن اور شادابی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ انتہائی افسردہ اور ملول دکھائی دیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا بھری بہار میں خزاں نے اسے چاٹ ڈالا ہو۔ وہ بیوقی کی دبیز چادر اوڑھے مرقعہ حسن و ملال بنی بیٹھی تھی۔ نادر ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سوال کی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھ کے سے جھلکتے اشارے کو فوراً سے پیشتر سمجھ گیا اور جس بس ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ چھوٹی امی کا بیان لے لیں، میں ادھر کمرے سے باہر موجود ہوں، اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے آواز دے کر بلا سکتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ کمرے میں رک کر ہماری گفتگو سننے کا خواہش مند تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں شکیلہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ میں نے نادر خان کے اس رویے کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور شگفتہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد صبح والے اندوناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیلہ بی بی، آتش زدگی والے اس واقعے نے مجھے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی ابھی تک کوئی توجہ نہیں پیش کی جا سکی۔ مجھے امید ہے تم میری الجھن کو ضرور دور کر دو گی، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ مجھے یوں لگتا ہے اگر میں بولوں گی تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے غم کے اس طوفان کو کس طرح اپنے اوپر جھیل رکھا ہے، لیکن آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی۔ حالانکہ اب اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، پوچھنے اور بتانے کے لیے باقی رہ کیا گیا ہے جب قادر اور جبرو ہی نہیں بچے تو۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ان لمحات میں شکیلہ مجھے ایک ایسی دلشکستہ اور آسام زدہ عورت نظر آئی جس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے جبران کو یاد کر کے بے حد دکھی ہو گئی تھی۔ شکیلہ، میں تمہارے دل اور دماغ پر طاری بوجھ کی شدت کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال یہ کہ اگر تم بات کرو گی تو اس سے بڑی حد تک تمہارا غبار دھل جائے گا۔ لہٰذا پہلے تو تم نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ گزشتہ رات اس کوٹھی کی بالائی منزل پر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اگر میں ضروری سمجھوں گا تو تم سے کوئی سوال بھی کروں گا۔ وہ چند لمحات تک خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے آر پار تکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سمجھ گیا، وہ اپنے بکھرے ہوئے ذہن اور منتشر خیالات کو یکجا کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ میں اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیں۔